तुम ये जूस नहीं पियोगे आयान? क्यों? मैंने जोया को इसमें कुछ मिलाते हुए देखा है। क्या? क्या? ये क्या बकवास कर रही हैं? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है? सच तो कड़वा ही होता है आयान मियां। ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है कि जोया ने इसमें कुछ मिलाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग देखकर भी चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैंने शीरिन को ये बात बताई भी है, चाहे तो पूछ लीजिए इससे। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? अरे आयान का वो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट, मेरा के साथ हुआ वो मेकअप वाला हादसा, आज सुबह साबुन का पानी, अरे आयान मरते मरते बचा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को ये सच्चाई क्यों नहीं दिखाई दे रही कि ये लड़की जो अपने आप को इस घर की बहू कहती है, दरअसल वो आयान की जान की दुश्मन है। ये लड़की आज भी असद अहमद खान से मोहब्बत करती है और उसके पास वापस जाना चाहती है। जाहिर सी बात है कि आयान इसके पैरों में पड़ी हुई बेड़ी है। तो फिर कैदी अपनी पैरों की बेड़ी को तो तोड़ना ही चाहेगा ना? ये आप क्या कह रही हैं मुमानी? प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाइए। ना मैं ऐसा कर सकती हूं और ना ऐसा सोच सकती हूं। खुदा के लिए ऐसे इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। मैं आयान को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहूंगी? मैंने जो देखा है ना वही कहा है। तुमने जूस में कुछ मिलाया है? ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। मुमानी, आप ही फालतू के इल्जाम क्यों लगा रही हैं जोया पे? अरे इल्जाम नहीं, सच है भाई। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम अपनी साजिशों से बाज नहीं आओगी। बड़ी बी मेरा यकीन कीजिए, साजिश मैं नहीं कर रही हूँ, साजिश जोया कर रही है। शर्तियां इसने जूस में जहर मिलाया है। आप चाहे तो शनाख्त करवा लीजिए, वो क्या कहते हैं टेस्ट करवा लीजिए। क्या बकवास कर रही हैं आप? कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? अम्मी प्लीज, अभी अगर कह रही है टेस्ट होगा तो टेस्ट होगा। जहर इस ग्लास में नहीं है, हमारी जिंदगियों में, और वो तूने मिलाया है। बड़ी भी मुझे पता था कि आप लोग सब मुझे ही बुरा कहेंगे, मैं ही बुरी हूं ना इस घर में। मुझे मालूम था कि आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी भी मैं सच में बदल गई हूं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। खुदा के लिए आप खामोश हो जाइए, प्लीज चिल्लाइए मत। आपको ये लगता है कि मैंने इस जूस में कुछ मिलाया है? टेस्ट करना है आपको? ठीक है, मैं ही ये जूस पीकर साबित कर देती हूं। You don't need to do all this, Zoya. कि मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? अरे इन्हें कहने दो जो कहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टेस्ट करना चाहती है ना, तो ठीक है, टेस्ट अभी होगा इसी वक्त, और वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। आयान, अम्मी, वैसे हम सब भी बहुत हैरान थे, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अम्मी रिक्शा तक के पैसे ना दे और अब लंदन भेजने के लिए तैयार हो गई हैं। बस एक दो दिन में निकल ही जाएंगे, हम चारों के पास वीजा तो है ही, बस टिकट बुकिंग करानी है जो अम्मी करा देंगी। अब
अम्मी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बोलो निखिल। बाजी ये ओवरकोट ठीक रहेंगे ना? मैंने सुना है वहाँ पे बहुत ठंड होती है। हाँ ठीक रहेंगे। ओ, पैकिंग चल रही है। कर लो अच्छे से पैकिंग कर लो। हाँ जी बस सब कुछ हो ही गया है, सब गर्म कपड़े रखने। हाँ वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, रख लो गर्म कपड़े। तुम भी रख लेना है बेटा, मुझे थोड़ा काम है, मैं रुक करके आती हूँ। हाँ क्या बात है, कौन गुदगुदी कर गया जो इतना उछल रहे हो? जब तुझे बताऊंगी ना तो तुझे भी गुदगुदी हो जाएगी। पता है मेरी दोनों बहुए हनीमून पे जाने के लिए हनीमून की पैकिंग कर रही है। उन्हें क्या पता हनीमून पे उनके साथ क्या होने वाला है। क्यों आप क्या करने वाले हो? वो जब होगा ना तब देख लेना, फिलहाल तो हनीमून जाएंगे। बाजी ये फरहान के लिए ठीक होगा ना? हाँ लेकिन ऐसा लग रहा है ये काफी टाइम से बंद रखी हुई थी, स्मेल भी आ रही है। एक काम करो इसे धूप दिखा दो, बाद में पैक कर लेना। ठीक है। ठीक है। जी मैं मेरे भी कपड़े पैक कर लेती हूँ। ठीक है कुछ चाहिए होगा तो बता देना। जी अब खुश हैं आप? मिल गई आपको तसल्ली, यही चाहती थी ना? अब देख लीजिए सच आपके सामने। क्या हुआ है, क्या हो रहा है? अयान अयान संभालो। अयान अयान क्या हुआ? अयान अयान देखा देखा मैंने कहा था ना इस टपक ने जूस में कुछ मिलाया है। मेरा डॉक्टर से कहना कि आते आते मुमानी का वहम दूर करने की दवाई भी लेके आए। देखा आपने ठीक हूं मैं, हो गई तसल्ली। ये किस तरह का मजाक है, हम लोगों की जान निकल गई थी यहां। आई एम रियली सॉरी अम्मी, लेकिन आप ही बताइए मुझे मैं क्या करता। मुमानी को इतना यकीन था कि जूस पीते ही मुझे कुछ हो जाएगा, तो फिर इनकी बात को कैसे टाल सकता था मैं भला? एक बात कहूं आपसे, अगर जूस में वाकई कुछ होता तो मैं यहां ये सब खड़े होकर कहने की हालत में नहीं होता। हम सब जानते हैं कि आपको शक्कर की बीमारी है, इसीलिए खुदा के लिए हर किसी पे बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद कीजिए और खासतौर पे जोया पे, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि वो गलती से भी कोई गुनाह नहीं कर सकती। अम्मी मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, मुझे तैयार होकर बाहर जाना है। Thank you.
सोया बेटा, तुम्हें ये सब बातें सुननी पड़ी और तुम पर इल्जाम भी लगाया गया। ये सब के लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। शिरीन, हमें आप पर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए आप बड़े, प्लीज ऐसा मत कहिए। ओके, मैं आयान को देख के आती हूं। मैंने खुद अपने हाथों से उस जूस में जहर मिलाया था और आयान ने वो जूस मेरे सामने पिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे कुछ असर ही नहीं हुआ? मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद मुमानी? क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है ये? आज तो मतलब प्रॉपर हिंदी सीरियल वाला इल्जाम और वही स्टोरी कि मैंने जूस में जहर मिला दिया। चाहती क्या है वो मुझसे? तुमसे बात कर रही हूं मैं, क्या एक्टिंग कर रहे हो सोने की? हाँ, उठ के बैठो। रॉबर्ट के बच्चे, सच में सो गए हो क्या? अयान, 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 देखो अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही गंदा मजाक है, बहुत पिटोगे तुम। उठ जाओ अयान, जस्ट गेट आउट। अयान, अरे क्या हुआ अयान? क्या हुआ अयान, बोलो कुछ। जूस, 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 या अल्लाह, इसका मतलब सच में जूस में कुछ था? रुको, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। या अल्लाह, नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं? जो है सबको पता चल जाएगा। अयान तुम पागल हो गए हो? सबको पता चल जाएगा मतलब? सबको पता लगता है तो लगने दो, मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी ज्यादा मायने रखती है, किसी के इल्जाम नहीं समझे। छोड़ मेरा हाथ अयान, तुम छोड़ मेरा हाथ। जोया, तुम्हें, 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 मेरी कसम, तुम्हें भाईजान की कसम, प्लीज अयान, तुम ये क्या बचपना कर रहे हो? तुम ऐसे कसमें देके मुझे रोक नहीं सकते, समझे? अयान, अयान तुम पागल हो गए हो क्या? अपनी हालत देखो तुम अयान, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। प्लीज अपनी कसम वापस लो, तुम छोड़ो, मैं फोन करके। अच्छा सुनो सुनो सुनो, डॉक्टर का बुलाने की जरूरत नहीं होगी, मैं जहर उलट दूं, मैं ठीक हो जाऊंगा। हटो, अभी उलट लो। वैसे भी डॉक्टर कहने तक मैं कुछ तो करना ही चाहिए। मैं एक मिनट गर्म पानी और नमक लेके आती हूँ, एक मिनट रुको। किसी को पता नहीं चल रहा, चीज़ प्लीज। Thank you.
हाय सर। सर आपने हमें शादी के बारे में नहीं बताया। अरे आसिफ को खुद ही नहीं पता था, हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे। ओह थैंक यू वेरी मच मैम फॉर द इनविटेशन, हम सब लोग जरूर आएंगे। थैंक यू। गेट बैक टू वर्क। यस सर। तन्वीर क्या नया तमाशा, तो मेरे ऑफिस में किसके कार्ड जो क्या मिठाई बांट रही हो? आपकी बेस्ट फ्रेंड हमारी अफसोस। दरवाजा 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 बंद है आयान, तुम ये पानी पियो बस। आयान आयान प्लीज उठो, उठो आयान प्लीज, उठो प्लीज। मैं एक मिनट में और पानी लेके आती हूँ, एक मिनट एक मिनट। अच्छा वो तुम आ गई, मैं खुद तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। देखो निखत, दरअसल बात यह है कि मुझे कुछ ही दिन हुए इंडिया लौटे, एंड यू वोंट बिलीव, मेरे पास इतना काम है कि अगर ये काम नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं इस ट्रिप पर नहीं आ सकता। पर तुम जा सकती हो, एंड इनफैक्ट तुम्हें जाना चाहिए। देखो तुम घर से बाहर निकलोगी, नई जगह देखोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। फरहान ये हमारा हनीमून है। मुझे पता है निखत, लेकिन देखो हम एक दूसरे को बहुत कम अरसे से जानते हैं, और निकाह से पहले तक तो हम एक दूसरे के लिए सिर्फ एक अजनबी थे ना। और हर रिश्ते को पनपने में वक्त लगता है निकट, हमारे रिश्ते को भी वक्त लग रहा है, तो बेहतर यही होगा कि हम हनीमून के लिए कुछ वक्त के बाद चले जाएं, जब हम इसके लिए तैयार हों। निकट तुम कुछ कहोगी नहीं? अलमारी में आपकी जैकेट वापस रखने जा रही थी, तभी उसके जेब से ये मिला, सोचा कि आपको वापस कर दूं। लीजिए। कहीं निकट को मुझ पर शक तो नहीं हो गया है? गरम पानी लेकर क्यों जा रहे? या अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि आयान पर जहर का असर हो रहा हो और सोया जहर निकालने की कोशिश कर रहे? यही मौका है, यही मौका है सबको दिखाने का। वो जैमी आराम से। ये क्या तमाशा है? ये तमाशा नहीं है जैमी, ये हकीकत है। हम सचमुच में निकाह कर रहे हैं जैमी। आपकी बचपन की फ्रेंड निकाह कर रही है, हमें तो लगा था कि आप खुश होंगे, लेकिन आप तो बड़े बेमुरम्मत निकले। तनवीर मैं तुमसे हजार बार कह चुका हूँ, मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगा। Are you mad? आपको क्या लगता है जैमी,
हम इतने गए गुजरे हैं कि अगर आप हमसे निकाह नहीं करेंगे तो कोई हमसे निकाह ही नहीं करेगा, हमारा हाथ ही नहीं थामेगा। जैमी, हमारा निकाह आपके साथ नहीं हो रहा है, आपको हमारी बात पे यकीन नहीं आ रहा है ना, तो ये लीजिए ये कार्ड देखिए। जैमी, हम आपकी बहन के शौहर के साथ निकाह कर रहे हैं, इमरान मियां के साथ। माना कि हम नजमा की भाभी ना बन सके, ना सही, उसकी सौतन तो हम बनकर ही रहेंगे।